Hi guys, I'm back with another video. I hope it's getting recorded. Yes, it is. So, आज मैं जा रहा हूँ अपनी राइडिंग जैकेट के लिए पैचेस लेने. So, I'm staying at सरोजिनी नगर. तो जो राइडिंग जैकेट का पैचेस मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे दिल्ली कैंट. So, I'm just going it over there. मेरे को तो समझ में नहीं आता है गाइस मैं क्या कंटेंट लेके आऊँ. ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए. मैंने अभी रिसेंटली जैकेट परचेज किया है कैस्केरा का. कैस्केरा रॉयल ब्लू करके है जैकेट. ब्लैक पे ब्लू स्ट्राइप्स हैं तो मेरी बाइक के साथ जाएंगे इसलिए मैंने वो ख़रीदा है. अब मेरे को उसमें थोड़ा पैच लगाना है लाइक माई नेम, माई ब्लड ग्रुप एंड व्हाट एल्स. यस एंड द इंडियन फ्लैग. यस सो उसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली कैंट. ओ आई फॉरगॉट माई ग्लव्स. दैट्स ओके. पहले पेट्रोल भरा लिया जाए. पेट्रोल भी कम है बाइक में और मैं जा रहा हूँ अपनी पल्सर 220 पे. एंड आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी. ये नया PVR ECX खुला है. आप लोगों को दिखा देता हूँ. कभी यहाँ पे आइए मूवी देखने. हमारे तो घर के बहुत पास हो गया तो दैट इज़ ग्रेट. वैले पार्किंग है. इट इज़ लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप वीक डे में आइए यहाँ. मैंने ट्राई किया है. इट इज़ वेरी गुड सिनेमा हॉल. सो वीक डे में आइए यू विल एंजॉय. I'm missing my gloves actually. Doesn't look good. हाथों में एक अजीब सा जो ये मटेरियल है इसका एक स्मेल रह जाता है. कमेंट करके मुझे बताइए इफ आई एम राइट और कुछ प्रॉब्लम है अदरवाइज ग्रिप में. आई हैव नोटिस विद एवरी बाइक बेसिकली कि उसमें एक हाथ में एक स्मेल सा आता है जो कि जाता भी नहीं है एक बार धोने में. सो दैट्स व्हाई ग्लव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज. अली एक्सप्रेस पे 11th ऑफ नवंबर को बहुत ही अच्छा सेल आने वाला है विच इंक्लूड्स Xiaomi YI एक्शन कैमराज. सो इफ एनीवन इंटरेस्टेड गेट यू नो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर दैट सेल और यू नो डाउनलोड द ऐप एंड ऑल. एंड जस्ट यू नो बिफोर ऑर्डरिंग एक उन्होंने नया कैमरा लॉन्च किया है जिसका बहुत अच्छा रिव्यू है YI लाइट. एंड वो $99 का है अमेज़ॉन पे एंड वही उसके ऑफिशियल प्राइस है. मतलब अगर आप उसका उसके साथ माउंट्स नहीं है इफ़ आई एम मेरे को जहाँ तक मैंने समझ में आया उसमें सिर्फ अगर आप एक्स्ट्रा व्हाट एल्स अगर आप एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ केस ऑर्डर करते हैं तो दैट इज़ अराउंड $128 का पड़ेगा. बट इस सेल में वो आपको $78 आई मीन मैंने इंडियन प्राइस में चेक किया था तो बहुत ही अच्छा डील मिल रहा था 5700 का. एंड वाई आई के जो एक्शन कैमरे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड यू नो उनकी बैटरी काफ़ी अच्छी बताते हैं. अराउंड 2 hours का बैकअप बताते हैं तो दैट इज़ रियली गुड. और वो 4K कैमरा है बट 15 MPS पे है तो आई डोंट थिंक वो 4K है एक्चुअली. बट 1080p पे आई एम डैम श्योर बहुत अच्छा शूट करता होगा. 1080 1440 और मैक्सिमम 2K तो आप वो चेक कीजिए अली एक्सप्रेस पे. मैं डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक डाल दूंगा. चेक कीजिए उसमें. और जिसका अच्छा बजट है 10-12,000 का तो वो 4K उनका एक कैमरा है जो 4K प्लस तो इट्स लाइक लिटिल एक्सपेंसिव अराउंड 18. वो भी सेल पे है तो आपको कम में पड़ेगा बट कस्टम्स को आपको खुद ही देखना होगा. कस्टम्स में अगर रुकता है तो जैसे मैंने गेटअप मंगाया था तो मेरा कोई कस्टम चार्ज नहीं लगा. लकीली अगर आप सेलर से बोल देंगे कि पहले ही मेरा जो सेलर था वो
बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज में को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इनवॉइस तक भेज दिया कि इन केस अगर आपका कस्टम में अटकता है तो आप उसको इनवॉइस दिखाइएगा कि ये एक्चुअल प्राइस है, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो क्या करते हैं कस्टम वाले, वो इंडिया में उस प्रोडक्ट का प्राइस चेक करते हैं, उनके पास लिस्ट होती है और उस प्राइस चेक करने के बाद अब उसमें फर्दर VAT एंड ड्यूटी GST व्हाटएवर इट इज़ वो चार्ज करते हैं, राइट। तो आप वो चेक कीजिए, ठीक है। वो अब आई डोंट नो वाई आएगा, वैसे ऑफिशियल स्टोर दिखा रहा है AliExpress पे, अब कितना सपोर्टिव है सेलर आई डोंट नो। हाँ, हालांकि मैंने एक इंडियन रिव्यू पढ़ा था, उसमें एक इंडियन रिव्यू था कुछ लाइसेंस फीस होती है, वो उस चक्कर में उस बंदे का प्रोडक्ट जो है रुक गया था कस्टम्स में। आई डोंट नो लेटर, डेफिनेटली उसने पे किया होगा एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार जो भी पड़ा होगा उसको, जो भी बताया होगा कस्टम ऑफिसर ने। बाकी आपके कस्टम में जान पहचान है तो दैट इज़ ग्रेट, अगर प्रोडक्ट पहले ही आपका निकल जाए। एंड अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से मंगाएंगे तो आपको RB समथिंग या ऐसा कुछ करके आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जो कि आप इंडियन पोस्ट की साइट पर भी जाके कर सकते हैं चेक, और प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो गया है। अगर कस्टम्स चार्जेस लगते हैं तो बट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वो लोकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू, आपका जो एरिया का लोकल पोस्ट ऑफिस है एंड जो आपका ज़रूर डेफिनेटली आपके ब्लॉक्स के जो पोस्टमैन होगा वो एक ही होगा, उसका पहले ही बात करके रखिए कि मेरा प्रोडक्ट आना है, और वो खुद ही आपको बता देगा कि अगर कस्टम होगा तो कस्टम की पर्ची लगी हुई होगी, आप मुझे वो कैश पे करेंगे तो मैं जाके आगे वो फर्दर कस्टम को वो मनी भेज दूँगा तो आपको उसका वो प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये भी बहुत स्मूथ हो गया है। हाँ, बाकी कस्टम्स की आई डोंट नो, पहले एक जो डेली कस्टम्स की साइट होती थी उसमें एवरी थर्ड डे और फोर्थ डे कस्टम्स वाले क्या करते थे कि उसमें ना पेंडिंग आइटम्स, जो वो आइटम्स को रोक लेते हैं और विद रीज़न वो PDF अपडेट करते थे। अब वो दिल्ली कस्टम्स की साइट चेंज हो गई है, अब आई डोंट नो वो आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने चेक किया था मुझे तो नहीं दिखा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने नोटिस किया था काफ़ी टाइम, जब मैंने गेटअप मंगाया था तो मैं ट्रैक कर रहा था एंड मैंने उसमें चेक किया कि यू नो लोगों के ड्रोन्स, लोगों ने ऑर्डर करे हुए थे वो ड्रोन्स को उन्होंने रोका हुआ था। एज़ पर इंडियन लॉ, इंडिया में ड्रोन्स के लिए क्या लॉ है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है ड्रोन्स आर बैन इन इंडिया। जो लोग बोलते हैं कि ड्रोन्स से हमारे पास लाइसेंस है, देर इज़ नथिंग कॉल्ड लाइसेंस फॉर ड्रोन्स, सब अनऑफिशियली ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, ये कन्फर्म बात है, मैंने पढ़ा है और मैंने देखा भी है। तो ड्रोन्स आर नॉट यू नो, बट वही बात है, कोई कुछ कहता नहीं है, तो यू कैन चेक। आप बाकी आजकल आप सेलर से बात कर लीजिए तो वो भी आजकल थोड़ा सा क्या कहते हैं बहुत स्मार्ट वे में प्रोडक्ट भेजते हैं, अलग अलग पीसीज में आपको शिप करते रहेंगे वो, तो यू कैन असेंबल इट ओवर हेयर एंड देन। तो बट यू नो आई एम जस्ट गिविंग यू दी करेक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ इट इज़ इट। चलिए चलते हैं।
सो गाइस मेरे को 50 रुपीज़ में मिल गया है जो दशमेश आर्मी स्टोर है, इन्होंने मुझे 50 रुपीज़ में बना दिया है। और मैं ये गोपीनाथ बता रहा है, मैं नाम बताना भूल गया था, दिस इज़ गोपीनाथ, यानी 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया है। दिस इज़ फ्लैग, इंडियन फ्लैग, दैट इज़ गुड, अच्छा है, वाइट बॉर्डर है, नीट है। मैंने ऑर्डर दिया है अपने नाम का विद ब्लड ग्रुप, तो वाइट पे ब्लैक पे वाइट, सो दैट इज़ कॉस्ट मी अराउंड ओनली विद वेलक्रो, वेलक्रो के साथ है वो, तो उसका एक साइड जो है वो लग जाएगी। मेरा काम हो गया इधर उधर लग जाएगा, एक साइड जो है लग जाएगा ब्रैकेट पे, एंड दूसरा एंड द सेकंड वन विल हैव दी क्या यस उसे वेलक्रो के साथ लगा सकते हैं। फिफ्टी रुपीज़ था तो मैंने ज़्यादा घूमा नहीं मैं कहीं कुछ, क्योंकि 50 रुपीज़ तो उसके लिए भी अब 10 रुपये या कितने रुपये बच जाते और दूसरे स्टोर पे जाता। सब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे वो 2 दिन में दे देंगे। बाकी अभी मैं एक शॉप पे और गया था जहाँ से मैंने ये इंडियन फ्लैग लिया है, इंडियन फ्लैग लिया है, बहुत ही अच्छा है वो नाम वाला, उसमें पूरा नाम आ जाएगा मेरा, तो दैट इज़ ग्रेट। बाकी देखते हैं, नहीं पसंद आएगा तो एक ऑर्डर और कर सकते हैं, जैसे 50 रुपीज़ 50 बक्स। बाकी एक ने बताया मुझे, अगर मैं मेरे को रेक्टेंगल में वो कोट्स वगैरह लिख के, अगर कोट लिखवाना चाहें आप जैकेट के ऊपर, वो दे देगा, लेकिन पर अगर आप बल्क देते हैं तो वो बार्गेन कर लेगा मे बी 60 रुपीज़ 70। बट अगर आप जैसे मैंने उसको 2 या 3 ही बोले, क्योंकि चलो अगर मैं 5-6 भी ले लेता हूँ आप उसको बदलवा भी सकते हैं, तो दैट इज़ वो उसने मुझे अभी 80 रुपीज़ बोले कह रहा। अभी मेरे पास एक ग्रुप आया था, द पर्सन टोल्ड मी, एक ग्रुप आया था उनके अभी पैचिंग के लिए गए हैं वो, तो अभी दिखा नहीं पाया, बट कहता मैं आपके लिए फ़ोटो खींच के रख लूँगा, नेक्स्ट टाइम आप विज़िट करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से मैंने बनाया था। तो आई दैट की दैट वॉज़ गुड, ठीक है, जा सकिया जा सकता है, दिया जा सकता है, सो दैट इज़ गुड। बहुत जल्दी काम हो गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था मुझे समझाना पड़ेगा ये है वो है। तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं एंड यू नो आप अपना डिमांड दे सकते हैं, दे विल मेक इट। अगर ग्रुप है तो बहुत ही अच्छा डील मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया डील मिल जाएगी, विल गेट अ गुड डील। बहुत बड़ी रेड लाइट थी गाइस, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, यस, पीछे तो जाम लगेगा ही, इतना ट्रैफिक है। इंडिया में थोड़ा ये तो प्रॉब्लम है, प्लानिंग नहीं होती, पहले ही फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद सोचा जाता है कि हमने ये क्यों बनाया था, ट्रैफिक तो ऐसे का ऐसा ही है। आई थिंक फाइनेंस पे रोक लगानी चाहिए, बैंक्स को थोड़ा सा हाउसिंग फाइनेंस की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट दें तो ज़्यादा बढ़िया, इंस्टेड ऑफ कार लोन, ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा वाइजर ओपन किया है मैंने, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा सर पे। भैया मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो चिंतामणि जयपुरी की, बहुत ही सिंपल आदमी है और क्या लॉग बनाता है डीप स्टडी करके, आई थिंक बाई प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर। चिंतामणि जी अगर आप ये लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। तो उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है विच इज़ ऑसम यार, ऑसम। बार बार शीशे में इसलिए देख रहा हूँ, आई एम जस्ट
वॉन्ट टू सी कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। कई बार धोखा भी हो जाता है पूरा, आप मूड से जाते हैं अगर कि आप वीडियो एडिट करेंगे और पता चले रिकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस, मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आ पाता हूँ तो थोड़ा सा कम नॉलेज है। अब चलते चलते पता नहीं वाईफाई बंद हो गया अपने आप ही, आई डोंट नो। एनीवे जो भी था, मैं कहा चलो ठीक है स्विच टू मैनुअल मोड, बट मुझे बोल सर 220 के हेडलाइट्स की तारीफ करनी होगी। एक तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, वाई हैव चूज यू नो NS200 ओवर दिस। एक तो जब मैंने परचेस किया तब ABS नहीं था, ABS जस्ट रिसेंटली लॉन्च था, तो ABS इज़ लाइक अ डील ब्रेकर। बट सिंगल चैनल ABS है सिर्फ आगे के टायर में, तो आई डोंट नो। इसका एक तो पीछे का ब्रेक जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है आई वुड से। फ्रंट ब्रेक इज बिल्कुल टॉप नॉच, एकदम जहाँ मारो वहाँ खड़ा हो जाता है बोलते हैं। एंड इसका जो हाई बीम है विच इज़ वेरी ग्रेट, इसमें अगर VS4 है इसमें ना, अगर जैसे हेडलाइट का ऑप्शन नहीं है, बंद कर दिया हेडलाइट ऑलवेज ऑन रही, एक ऑप्शन देना चाहिए था कि जिसमें आप दोनों लाइक i20 अगर जिसके पास है i20 सेकेंड जनरेशन, उसमें आप हाई और लो दोनों एक साथ जला सकते हैं, क्योंकि उनके 4-4 बल्ब्स आर देयर इन दी हेडलाइट्स, इन दी टू हेडलाइट्स, तो आप दोनों एक साथ जला सकते हैं, तो आपको आपका जो जोन है बहुत बढ़ जाता है। आई गेस वो हर गाड़ी में होता है, बल्ब अलग नहीं होते बट एक ही बल्ब होता है जो कि हाई भी होता है लो भी होता है। तो इसमें एक बटन देना चाहिए था यहाँ कि आप दोनों एक साथ जला सकते हैं, विच इज़ रात को एक डील ब्रेकर है, वो एकदम मस्त है। और लाइक स्मॉल कार्स, सेडान्स एंड यू नो मे बी SUV, उनके बिल्कुल साइड का जो मिरर रहता है वहाँ पे हाई बीम मारता है ये, सो दैट दे विल गेट टू नो बाइक आ रही है अगर आपको पास लेना है तो। बहुत ही मस्त चीज़ है वो, मुझे अच्छा लगा ये, तो दैट इज़ आई चूज़ यू नो दिस 11 ईयर ओल्ड बॉय इंस्टेड ऑफ ओह यहाँ भी ट्रैफिक, सो लेट्स गो स्ट्रेट। सो आई एम जस्ट लॉगिंग ऑफ नाउ। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड कुछ इम्प्रूव करना है मुझे तो कमेंट पे आप बताइए, आई विल इम्प्रूव इट। क्योंकि YouTube एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच आई फेल्ट। मैं भी अभी लर्निंग सीख रहा हूँ, तो आप लोग को पसंद आई है, हाँ थोड़ा सा व्यूज़ मिलने शुरू हुए हैं मुझे, बट ठीक है anyway. तो आप उसको पसंद कीजिए, ये सरोही नगर मार्केट है बाय द वे, आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट बिलो।